Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। इसका एग्जाम में क्वेश्चन भी कई बार बना है और इसका प्रैक्टिकल भी आना आपको ज़रूरी है, ताकि मतलब कि ये ऑप्शंस आपको किसी भी तरह ऑफिस के वर्क में वगैरह आपको अच्छी मदद करे। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले आपको मालूम ही है क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर स्टार्ट बटन को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने कल भी बताया था, यहाँ पे मैंने बोला कि मतलब आप एमएस वर्ड को डायरेक्टली विन वर्ड टाइप करके भी शो कर सकते हैं। जैसे देखो, विन वर्ड मैंने लिखा तो ऊपर डायरेक्टली नाम आ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। इसको आप पहले खोलेंगे। ये मतलब आप सभी को मालूम ही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। यानी आप सभी को मालूम ही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर वर्ड की एडिटिंग होती है, किसी भी प्रकार के मतलब इसकी वर्ड प्रोसेसिंग की जा सकती है इसमें, इसलिए इसको वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहा जाता है। लेकिन आपको याद रखना है कि आज हमारा टॉपिक है वो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में है। किसके बारे में? सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ये दोनों एक इम्पोर्टेंट मतलब की ऑप्शन है एमएस वर्ड के अंदर, जो होम टैब के अंदर होता है। होम टैब है, यहाँ पे होम टैब के अंदर एक आपको ग्रुप का नाम दिखाई दे रहा है फॉन्ट। इसी फॉन्ट ग्रुप के सामने आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। देखो, आप देख सकते हैं यहाँ से एक तो एक्स के नीचे 2 लिखा हुआ, एक एक्स के स्क्वायर के रूप में 2 लिखा हुआ है। तो इन्हीं का नाम होता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। देखिए दोस्तों, सबस्क्रिप्ट का मीन्स क्या होगा? वह मतलब इसकी नॉर्मल वर्ड के ऊपर किसी वर्ड्स को कई या नंबरों को नीचे की ओर जैसे लिखना हो तो हम किसका उपयोग करेंगे? सबस्क्रिप्ट का करेंगे। कैसे? जैसे मैं यहाँ पे एक ऑप्शंस लिखना है, जैसे मान के चलो मेरे को इसकी साइंस का कोई एक फार्मूला लिखना है, यहाँ पे मेरे को CO2 लिखना है, तो मैं यहाँ पे C लिखूँगा, O लिखूँगा। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं 2 लिखूँगा तो ये CO2 का फॉर्मूला सही नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि 2 इसके नीचे की ओर आना चाहिए। तो जब आपको नीचे की ओर कोई भी टाइप करने की ज़रूरत पड़े तो आपको याद रखना है कि यहाँ से आपको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा? सबस्क्रिप्ट। क्या करना पड़ेगा? सबस्क्रिप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सबस्क्रिप्ट को जैसे क्लिक करूँगा, अब मैं 2 यहाँ पे लिखूँगा तो यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा, तो ये मतलब इसके सही माना जाएगा। आप चाहो तो मतलब इसकी अपने हिसाब से भी देख सकते हो। देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे अगर आपको H2O नाम लिखना है तो मैंने अभी बोला कि मतलब अगर ये एप्लीकेशन पहले से, देखो यहाँ पे प्रोग्राम है, ये पहले से सेलेक्ट है तो इसको हटाना है, क्योंकि अब मेरे को जैसे मान के चलो H2O नाम लिखना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, H लिख दूँगा, 2 लिखूँगा और ओ। लेकिन ये गलत है, यहाँ पे मतलब 2 कहाँ पे आना चाहिए? इसके नीचे की ओर आना चाहिए, एज के नीचे। तो यहाँ पे नीचे की ओर लाने के लिए आपको क्या क्लिक करना पड़ेगा? यहाँ पे सबस्क्रिप्ट, इसी को कहते हैं सबस्क्रिप्ट। मैंने यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे वापस इसकी मतलब कार्य पूरा होने के बाद में इसको अनसेलेक्ट करना, ताकि नॉर्मल वर्ड वापस सही ढंग से लिखा जा सके। यहाँ पे इस टाइप से आप लिख सकते हो, जैसे H2O। इसी प्रकार आपको याद रखना है कि ये जो सुपरस्क्रिप्ट होता है, सुपरस्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, जिस प्रकार साइंस के कोई भी फॉर्मूले वगैरह नीचे की और कोई मतलब की ऑप्शंस लिखने के लिए आप सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हो, उसी प्रकार आपको याद रखना है कि सुपरस्क्रिप्ट होता है। सुपरस्क्रिप्ट साइंस के अलावा मतलब की मैथमेटिक्स में ज़्यादा इसका उपयोग होता है। जैसे कि मान के चले मेरे को एक्स का स्क्वायर लिखना है तो मैं यहाँ पर 2 दबाऊँगा तो X2 हो जाएगा, गलत है। मतलब स्क्वायर लिखने के लिए आपने एक्स लिखा, बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर क्लिक सुपरस्क्रिप्ट को, सुपरस्क्रिप्ट को क्लिक कर दिया, जैसे मैं 2 लिखूंगा तो 2 ऊपर की ओर आएगा। इसकी ज़रूरत पूरी हो गई, वापस आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं, क्योंकि नहीं हटाएंगे तो सब जो आगे वाली प्रोसेस उसी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा y माइनस y, अब स्क्वायर लिखना है तो वापस सुपरस्क्रिप्ट को क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मैंने ये लिखा तो ये बता रहा है, अब वापस इसकी ज़रूरत पूरी हो गई तो इसको अनसेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखना है कि मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू, यानी इस टाइप की मतलब इसकी जो मैथमेटिक्स के अंदर मतलब जो समीकरण वगैरह होती है, इक्वेशन होती है, उनको बनाने के लिए ऊपर की ओर को भी लिखने के लिए आप अधिकतर किसका उपयोग करेंगे? सुपरस्क्रिप्ट। और नीचे की ओर को भी लिखने के लिए, जैसे साइंस के मैंने यहाँ पे 2 फॉर्मूले बताए, इसमें 2 कैसे मैंने नीचे लिया है, तो उसके लिए आपको याद रखना क्या उपयोग करेंगे हम? सबस्क्रिप्ट को। देखिए दोस्तों, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता भी है। सबस्क्रिप्ट का कैसे बनता है, वह कौन सा प्रोग्राम है जो किसी नॉर्मल वर्ड के नीचे की और मतलब की
टेक्स्ट या नंबर को टाइप करवाता है। तो आपको याद रखना है सबस्क्राइब होगा उसका आंसर, और ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि निम्न में से वह कौन सा प्रोग्राम है जो अधिकतर मैथमेटिकल ऑफ इक्वेशन के अंदर यूज़ होता है और किसी भी वर्ड्स को ऊपर की ओर लिखता है, यानी ऐसे मैंने यहाँ पे घात के रूप में लिखा, स्क्वायर के रूप में, यहाँ पे क्यूब के रूप में भी लिख सकते हो, यानी ऊपर की ओर लिखने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट का। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो मलेशिया लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें ताकि और भी आपको अच्छा नॉलेज हो सके। चलिए दोस्तों, कल हम एक और नई वीडियो के साथ में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद। Thank you.